गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी आर लर्न मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट में हमने सिखाया चैप्टर नंबर 4 एडिशन। उसमें हम आगे सीख गए हैं नंबर्स को ऐड करना। नाउ लेट मी सी वर्कशीट। ओके, हम आज करेंगे वर्कशीट। तो वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर इज 1, ऐड द फॉलोइंग। मैंने आगे आपको सम सिखाया है, उसी तरह से हम आज सम करेंगे वर्कशीट में, ठीक है। नाउ लेट सी, ये कौन सा नंबर है? 4 नंबर है। कौन सा नंबर है? 4 नंबर। और उसके नीचे कौन सा नंबर है? 3 नंबर। कौन सा नंबर है? 3 नंबर। ओके, तो नाउ लेट सी, 4 नंबर के सामने 4 जीरो करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4। अभी 3 नंबर के सामने 3 जीरो, 1, 2, 3। ओके, अभी हम इन सब को साथ में काउंट करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आंसर इज 7। ओके, समझ में आया। नाउ सेकेंड सम, ये कितने हैं? 5। तो 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। अभी नीचे कौन सा नंबर है? 2। तो बाजू में 2 जीरो, 1, 2। अभी ये दोनों को हमें साथ में काउंट करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आंसर इज अगेन 7। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट सम। ओके, ये नंबर कौन सा है? 4। तो 1, 2, 3, 4। अभी उसके नीचे का नंबर 4, तो अगेन 4 सर्कल, 1, 2, 3, 4। अभी इन सब को हम साथ में काउंट करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंसर इज 8। नाउ नेक्स्ट सम, ये कौन सा नंबर है? 6। तो 6 सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी ये कौन सा नंबर है? 3। तो 3 सर्कल्स, 1, 2, 3। अभी इन सबको हम साथ में काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आंसर इज 9। नाउ नेक्स्ट सम, ये कितने नंबर है? 2। तो 2 सर्कल, 1 एंड 2। और ये 5, तो 5 सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5। साथ में काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आंसर इज 7। नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर है? 4। तो 4 सर्कल, 1, 2, 3, 4। अभी ये 5, 1, 2, 3, 4, 5। अभी साथ में काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आंसर इज 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऐड 0। हमने आगे सीखा है 0 से ज्यादा चीज को हम ऐड करते थे, ठीक है, 0 से ज्यादा। अभी हमें 0 करना है। तो ये कौन सा नंबर है? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये क्या है? 0। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो आंसर इज 7। समझ में? 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर डायरेक्टली 7 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम है। देखो 3 नंबर है, तो 1, 2, 3। अभी 0 की वैल्यू 0, यानी कि 0 नहीं आएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 1, 2, 3। ओनली आंसर इज 3। जब भी कोई सम में नीचे 0 आता है तो आंसर यही आएगा, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको सिखा रही हूँ,
कि जब भी नीचे जीरो आएगा तो आंसर इज सेम यानी कि एट आएगा। यहाँ पे भी वन है तो आंसर इज वन, यहाँ पे जीरो है तो आंसर फाइव आएगा, यहाँ पे भी जीरो है तो आंसर क्या आएगा फोर। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है इसलिए आंसर एज इट इज रहेगा। ठीक है, थैंक यू।